5 वर्ष तक के मूक बधिर बच्चों की पहचान को लेकर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन। बिहार बेतिया से नसीम रब्बानी की रिपोर्ट। बेतिया श्रवण श्रुति योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम द्वारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उत्तर बड़ी पोखरा बेतिया में मूक बधिर बच्चों के लिए स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया। उक्त कैंप में पूरे जिले से आए 75 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 35 बच्चों को डॉक्टर एसिन मेहरोत्रा मेमोरियल ENT फाउंडेशन कानपुर में कॉकलियर इम्प्लांट के लिए रेफर किया गया। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर श्रीकांत दुबे ने बताया कि इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों का बिहार सरकार के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा कराया जाता है। मौके पर एसिन मेहरोत्रा मेमोरियल ENT फाउंडेशन कानपुर की टीम CS डॉक्टर श्रीकांत दुबे, अपर प्रमुख चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रमेश चंद्रा, DCM राजेश कुमार, RBSK के जिला समन्वयक रंजन कुमार मिश्रा व अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। कब जाना चाहिए सर, मैसेज देंगे? भारत सरकार की इस योजना के चलते गरीब और असहाय बच्चों को बहुत ही लाभ हो रहा है, और ये बच्चे यहाँ से चयनित होकर कानपुर फाउंडेशन के पास जाएंगे। वहाँ इनका फाइनल टेस्ट होगा, और टेस्ट होने के बाद कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की जाएगी। उसके साथ साथ इनके स्पीच थेरेपी की भी व्यवस्था की जाएगी, और इन सारे चीज़ें हो जाने के बाद भी उनको अनुदान दिया जाएगा, जिससे कि वो मशीन के अपना रख रखाव कर सके। इस तरह से जो भी श्रवणहीन बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध होने जा रहा है। अपने चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। अभी तक मैं आया तो 71 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था, और अभी भी बच्चे आ ही रहे हैं। इसलिए ये कार्यक्रम अभी तो आज हो जाएगा, उसके बाद मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इस कार्यक्रम को चालू रखा जाएगा। बताइए कुछ क्या है आज का मतलब कार्यक्रम? आप लोग बताइए, माँ है आप लोग ना? नानी है। काहे लाल मनी बच्चे के टायर का भर दिया? कहाँ से ली है? का बताइल के लगा रुआ के ना रुआ के कथी कह के ले आइल के लिए मोबाइल में देख लिया मैसेज देख के आई अपने बता लिया अभी देखा हो गई बोले लेना बोला लेना बचपन से बा लिखा सुना था जो सुनेगा नहीं वही नहीं बोलेगा। आप लोग अपने आए हैं कि आपको लाया गया है? वही डॉक्टर साहब लोग देखे थे तब आए हैं। वही डॉक्टर साहब लोग देखे थे तब उन लोग लाए हैं कि अपने से आए हैं आप लोग? अपने लोग के आप लोगों को पता है ना कि इसमें पैसा वैसा नहीं लगता है ये। कहीं भी इसमें आप लोगों को एक रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये सरकारी योजना है, और सरकारी योजना के माध्यम से आज जांच होगा, और फिर जरूरत के अनुसार इसको आगे की तरफ हम लोग रेफर भी करेंगे और ऑपरेशन भी करवाएंगे। जो ऑपरेशन लायक होगा उसको हम लोग भेजते हैं। बिहार सरकार का कॉन्ट्रैक्ट है ENT फाउंडेशन के साथ, मेहरोत्रा फाउंडेशन है, कानपुर में होता है ऑपरेशन। अगर ऑपरेशन लायक होगा तो वहाँ जाएगा। सर पूरा प्रोग्राम के बारे में बताएंगे क्या है ये प्रोग्राम आज जो यहाँ है? ये मूक बधिर लोगों का जो है जांच होता है पूरे जिला में। हमारा RBSK के जो डॉक्टर हैं वो स्क्रीनिंग करते हैं जगह जगह जा करके, उनको ड्यूटी असाइन है। कोई भी कंजेनाइटल डिजीज का वो लोग देखते हैं। आज कंजेनाइटल मूक बधिर जो कि
डिफरेंट डम लोग हैं, उन लोगों का जांच करके ये लोग इकट्ठा किए हैं। इनका जांच करने के लिए बाहर से लोग आएंगे। जांच जब हो जाएगा तो उसमें किसका क्या इलाज होगा, अगर ऑपरेशन लायक होगा तो ऑपरेशन के इंस्टीट्यूट में भेजा जाएगा, जहाँ पर कि कानपुर में इंस्टीट्यूट है, बिहार सरकार का उससे MOU है, उससे उसका कॉन्ट्रैक्ट है। और एक बच्चा वहाँ से ऑपरेशन करा के भी आया है, उसको फायदा हुआ है, सुनने में कुछ राहत है। तो इसी तरह से दूसरे बच्चे भी अगर ऑपरेशन लायक होंगे तो जाएंगे, नहीं तो दूसरा भी कोई कारण होगा तो उस हिसाब से इलाज होगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोग आज जाँच करेंगे सर, जो भी बच्चे आए हैं उनका जाँच। यह कार्यक्रम कितने दिनों तक चलेगा? नहीं, आज तो सिर्फ आज ही भर का है, जांच होगा। अब उसमें जो बच्चे निकलेंगे बाहर भेजने लायक, उनको भेजा जाएगा, उसका बना हुआ है कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है। तो ऐसा नहीं है कि आज है तो चार दिन तक चलेगा, आज ही का पता। तो बाद में जब भी टाइम होगा तो बात ये सतत है, लेकिन फ्रेजिक सतत है, ये होता रहेगा, लेकिन डेट अनाउंस होता है, अगली तिथि फिर निर्धारित की जाती है, बच्चे चुने जाते हैं और फिर वो तिथि पर बच्चे आते हैं, उनका नहीं होता है। आपका वांछित जो इलाज है, ऑपरेशन है, चाहे कॉक्लियर ट्रांसप्लांट हो, महंगा होता है, गरीब को बहुत मदद हो जाएगी, लाखों का खर्च आता है प्राइवेट, और अच्छा, सरकार के द्वारा होगा, सरकार के द्वारा होगा, ये बहुत